मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू टुडे? फाइन, ओके। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मैथ, क्लास 7, ओके। चैप्टर 6 है आपका, चैप्टर 6 का आपका नाम है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड, ओके। आपका ये चैप्टर का नाम है, चलो इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, ओके। लेट्स प्रैक्टिस है 6.1, ओके। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि रेशियो होता क्या है। 2:3, ये जो है आपका रेशियो का सिंबल है, ओके। इसको रेशियो कहा जाता है, 2:3 आपको लिखना है अगर, तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, ओके। चलिए अभी इसको देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन 30 मिनट्स टू 3/4 आवर्स, ओके। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखते हैं। यू नो दैट 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट, ओके। आप सबको पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना। तो ये 60 मिनट होते हैं, तो आपको क्या किस चीज़ को चेंज करना है, आपको सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेना है, ओके। तो आपको इसको सॉल्व करना तो आता है ना। कैसे सॉल्व करोगे आप? 4 2 8, और 8 में आप 3 को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 के बाद 9, 10 एंड 11, ओके। तो ये आपका हो गया 11/4, हो गया। अब आपको आवर्स को मिनट में जो है कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे इसके लिए, मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से उसको, है ना। 30 मिनट टू 11/4 इंटू 60, ओके। जब आप 60 इसको करोगे, देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये क्या कैंसिल करेंगे हम, 4 1 जा 4 एंड 4 50 जा 60, ओके। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4 2 बचा और 4 5 जा 20, ओके। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 11 एंड 15 को, ओके। हमारे पास क्या बचा कैंसिल करने के बाद, 11 इंटू 15 बचा, है ना। तो यहाँ पे 30 मिनट रेशियो 165 मिनट हो गया, इज दैट ओके ना। इसको आपको फ्रैक्शन में करना है। क्यों आप फ्रैक्शन में कर सकते हो इसको, क्योंकि ये भी मिनट में हो गया और ये भी मिनट में हो गया, है ना, सेम हो गए हैं ये, इसलिए आप इसको मिनट को इधर आप रेशियो को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 30/165 हो जाएगा। फिर आप इसको कैंसिल करोगे, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 15 2 जा 30 एंड 15 11 जा 165, ओके। ये आपका क्या बच गया आंसर, 2/11 जो है आपका आंसर बच गया, ओके। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है। 1.2 kg रेशियो 60 grams, ओके। अब आपको यहाँ पे केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। यू नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अब यहाँ पे 1.2 kg को आप कन्वर्ट करोगे तो 1 kg का 100 grams एंड 200 grams, तो ये है ही, आप इसको प्लस कर दोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, 1200 grams, ओके। रेशियो 60 grams। अब आप इसको फिर से फैक्टर में करोगे तो 1260, क्यों, क्योंकि दोनों जो है ग्राम में हो गया है, इसलिए आप इसको अब ये कर सकते हो। अब इसमें आप कैंसिल करोगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12 एंड 0, ये क्या हो गया, 20। तो 20/1 जो है क्या है आपका आंसर है, ठीक है। आप इसको रेशियो में किस तरीके से लिख सकते हो, 20:1, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियोज, ओके। सेम है, आपको सिंप्लीफाई करना है इसको भी। चलिए देखते हैं उसको सिंप्लीफाई आप कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंप्लीफाई किस चीज़ का करोगे, जो आपको यूनिट फ्रैक्शन में जो दिया गया है ना, जो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है उसको आप पहले सिंपल करोगे, ओके। तो आपको देखिए यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या दिया है, ये तो 5 3 जा 15 एंड 1 प्लस किया तो 16, ओके। तो ये हो गया आपका 16/3। रेशियो सेम कंडीशन आप इसमें भी करोगे, 4 3 जा 12 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 13/4, तो ये क्या हो गया आपका 16/3 रेशियो 13/4। जब आप इसको सॉल्व करना है आपको, तो आप क्या करोगे, रेशियो को कन्वर्ट कर दोगे, ओके। किस में कन्वर्ट करोगे आप, मल्टीप्लाई में करोगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 जो है सेम कंडीशन, जो आप डिवाइड में मल्टीप्लाई करते हो तो होता है, ये सेम कंडीशन इसमें भी हो जाएगा, 4 आपका ऊपर चला जाएगा, 13 आपका नीचे आ जाएगा। 4 आपका डेनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा एंड 13 आपका न्यूमिनेटर है वो डेनोमिनेटर बन जाएगा, ओके। देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है इसमें कि कुछ कैंसिल हम कर सके, है ना। तो अब हम इसमें कुछ कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 4 जा 64 एंड 3 30 जा 39, ओके। दिस इज़ योर आंसर,
इज दैट ओके ना। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, उसी में 24 दिया है रेशियो टू 2/3। सबसे पहले आप इसको जो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, मिक्स को आप फ्रैक्शन में करोगे ओके। 2 3 6 6 में 2 आपने प्लस किया तो 8/3 ओके। सेम कंडीशन है 24/1 मल्टीप्लाई में आपने कन्वर्ट किया, 3 ऊपर चला गया 8 नीचे आ गया, ये कैंसिल हो सकता है तो 8 1 8 और 8 3 होता है आपका 24। आपके पास क्या बचा, 3 × 3 इज इक्वल टू 9 9/1 ओके। इसको आप रेशियो में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 9:1 इज दैट ओके। इसी तरीके से आपको इसको पूरे को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आपको 1 और 2 बताया है, 3 4 आपको अपने से सॉल्व करना है ओके। सेम है यहाँ पे 1 year 6 month दिया है, तो 1 year में कितने मंथ होते हैं, तो 12 + 6 कर दोगे आप तो ये आपका दोनों मंथ जो है मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा ओके। 1 year 6 month में 12 और 6 को प्लस कर दीजिएगा, उसके बाद सेम आपको ये फार्मूला लगाना है। ठीक इसी तरीके से 2 rupees 125, तो 1 rupees मीन्स क्या होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो 100 में आप 25 को प्लस कर दोगे तो 125 पैसे और 75 पैसे में आपको निकालना है इसमें ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 5 और 2 आपको बता दिया, 3 और 4 आपको सेम उसी कंडीशन में बनाना है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच रेशियो इज ग्रेटर। अब इसमें आपको रेशियो को कौन सा ग्रेटर है इसको बताना है ठीक है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, सेम आप इसमें भी यही करोगे कि सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन है उसको आप कन्वर्ट कर लोगे, तो 3 2 6 एंड 1 से 1 प्लस करोगे तो 7/3, रेशियो 3 3 9 1 को आपने कन्वर्ट किया तो 10/3 ये हो गया ओके। आर आपका दिया है 3.6, तो आपको पता है कि आप डेसिमल्स को जब हटाते हो तो ये क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट की जगह आप 1 लिखते हो और जितनी डिजिट हमको आगे दी जाती है उतने हम 0 जो है इसमें बढ़ाते जाते हैं ठीक है। ये आपको मेमोराइज रखना है कि आप कैसे करते हो, जब डेसिमल्स दिया गया होता है, पॉइंट दिया गया होता है, उसके नीचे हम 1 लिखते हैं और इधर जितने डिजिट होते हैं उतनी 0 हम यहाँ पे लगाते जाते हैं काउंट करके, डिजिट को काउंट करके ओके। सेम इसी में ये क्या हुआ है, 36/10 रेशियो 48/10 ओके। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 3 ऊपर चला गया 10 नीचे चला गया, 3 3 आपने कैंसिल कर दिया। आर यहाँ पे देखिए 36/10 इंटू, सॉरी यहाँ पे इंटू रहेगा 10/48, 10 10 आपने कैंसिल कर दिया ओके। और यहाँ पे आप 12 का टेबल भी पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा 12 4 = 48 एंड 12 3 = 36 ओके। अब यहाँ पे आपका क्या बच गया, सेवन बाई टेन ओके, और आपका बच रहा है यहाँ पे 3/4 ठीक है। जब आप इसको 4 और 10 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपके पास आएगा 20 है ना, तो आपको इसको 20 बनाना है। आप 20 आप कैसे बनाओगे, क्योंकि आपको पता है जब हम कभी भी स्मॉल और ग्रेटर पता करते हैं, बिग एंड स्मॉल, तो हम क्या करते हैं, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तभी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल है। जब तक हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं हम पता नहीं कर सकते हैं ओके। तो आपने क्या किया, 4 और 10 का आपने एलसीएम निकाला, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 1 = 2 और 5 and 5 1 = 5, तो 5 2 = 10 एंड 10 2 = 20 ठीक है। आपको 10 और 4 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको 20 मिलेगा। 20 आपको इसको 10 को 20 करना है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे आप डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, जो नीचे करोगे आप उसी को मल्टीप्लाई ऊपर करोगे। यहाँ पे 4 है, 4 को हम अगर हमको 20 बनाना तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 4 5 = 20 हो जाता है। जिस डिजिट से 5 डिजिट से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, सेम हमने ऊपर में भी 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या बच गया, 72 = 40 एंड 10 2 = 20। और देखिए क्या बचा, 5 3 = 15 एंड 4 5 = 20। अब आप इसमें से देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो आप बता सकते हैं कौन सा बिग है और कौन सा स्मॉल है, तो कौन सा बिग है आपके पास, 15 जो है बिग है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 15 आपके किसकी जगह पे आया हुआ है, 15/20 आपका 3.6 रेशियो 4.8 की जगह पे आया है, तो ये आपका बिग है और ये आपका स्मॉल है
ओके तो आपको ओवरऑल में फिर फाइनली क्या करना है कि 3.6 रेशियो 4.8 ग्रेटर देन 2:1/3 रेशियो 3:1/3। ओके दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका। आपको सेकेंड भी ऐसे ही बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन असेंडिंग ऑर्डर टू मैग्नीट्यूड। ओके 4 है और 5 है, एक में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, एक में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैं आपको एक असेंडिंग ऑर्डर समझाती हूँ, डिसेंडिंग आप अपने घर पे अपने से करोगे सॉल्व। ओके चलिए देखते हैं आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपको रेशियो में दिया गया है उसको आप क्या करोगे, फैक्टर में लिखोगे। ठीक है, आपको दिया गया है 11:14, 5:7, 17:21 एंड 2:3 दिया गया है। आप इसको क्या करोगे, 11:14, 5:7, 21 एंड 2:3 करोगे। ओके आपने इतना जब कर लिया तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने ये काम पहले भी कर लिया है ना, आपने पिछली क्लास में भी कर लिया है और आप क्लास 3-4 से आप इस चीज़ को करते आ रहे हो, है ना, आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस के पढ़े हुए हैं। तो सेम आपको ये करना है कि आपको एलसीएम निकालने हैं किसके किसके, डेनोमिनेटर के, जितने डेनोमिनेटर आपको दी गई है उसका आपको एलसीएम निकालना है। इट मीन्स 14, 7, 21 एंड 3 का आपको एलसीएम निकालना है। ओके देखिए यहाँ पे मैंने आपको एलसीएम निकाला रखा, मैंने आपके लिए एलसीएम निकाल रखा है। इस तरीके से आप एलसीएम निकालेंगे। ओके 14, 7, 21 एंड 3, 3 से आप सबसे पहले ये 2 से भी जा सकते हैं, आप 2 से भी दे सकते हैं इसको 2, 7 या 14 करके, बट मैंने इसको 3 से कर दिया है ना, इसलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया। ओके तो 3, 14 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 21 बस जाएगा 3 से, तो 3, 7 या 21, 7, 2 या 14, 7, 1 या 7, 7, 1 या 7, 1 की 1, 2 का 2, 1 या 2, 1, 1, 1, 7, 3 जो होता है आपका 21 एंड 21, 2 जो आपका होता है 42। तो आपको क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब 42 करने के लिए आपको जो काम करना है, जो आपने पिछले में किया है, बस वही काम आपको इसमें भी करना है। 14 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 42 बनेगा, 57 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 42 बनेगा, 11 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 42 बनेगा, 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 42 बनेगा। सेम चीज़ है, जो आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे आपको उसी से मल्टीप्लाई ऊपर में भी करना है, मीन्स न्यूमरेटर से भी करना है। ओके आपने किया, आपको ये आंसर मिला। इसमें आप ये बता सकते हैं कि कौन स्मॉल है कौन बिग है। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर 42 मिल गया है, तो आप इजीली 33, 30, 34, 28 में बता सकते हैं कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, 28 उसके बाद 30 फिर 33 फिर 34, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे और आपको ये जिसके प्लेस पे मिला हुआ है उस कंडीशन में आप इसको लिखोगे और ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। इज दैट ओके। आपको इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 जो है अपने से सॉल्व करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, आप उसे जस्ट अपोजिट लिखोगे। ओके आपने इसमें छोटे से बड़ा लिखा है और इस वाले में आपने को बड़े से छोटे लिखते जाना है। ओके बाकी मैं आगे का वीडियो जो है 6, 7, 8, 9 इधर आगे है उसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट में देती हूँ। अभी के लिए थैंक यू।